नमस्कार, aspiri.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी दोस्तों, अभी हम एक ऐसे जगह पर हैं जहां युवाओं के लिए संघर्ष किया जा रहा है, और वो कोई आज का संघर्ष नहीं, 40 साल का संघर्ष है। जी हाँ, हमारे साथ हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी। जो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन आज आप उन युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार जो बेरोजगार थे। आखिर कैसे मन में आया और किन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ सर, आप जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए, खास तौर पर ऐसे जगह पर आप संघर्ष कर रहे हैं, सेना में कुछ लोगों के जाने के लिए, रेजिमेंट के लिए, ये कम ही लोग कर पाते हैं, कैसे आपके मन में आया सर? ऐसा है जी कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, और MBBS करने के बाद मैंने रेवाड़ी में आके अपना हॉस्पिटल खोला जी। और जैसे मरीज देखते हैं जी, तो मरीज देखने के दौरान एक बहुत अच्छा युवक जो 6 फुट का था, बहुत अच्छा एथलेटिक बिल्ड थी उसकी, वो आया, मैंने उसको देखा। मैं जब दवाई लिखने लगा तो उसने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब सस्ती दवाई लिखना। ओहो। जब उसने कहा सस्ती दवाई लिखना, तो मैंने कहा नहीं, सस्ती तो लिख देंगे, क्या बात है, आप कुछ काम वाम करते हैं या नहीं करते हैं? जी जी। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं कुछ नहीं करता, मैं बेरोज़गार हूँ। ओहो। तो मैंने कहा आप बेरोज़गार हैं, लेकिन आपकी हाइट वगैरह सब बड़ी अच्छी है, कितनी क्लास पास है? तो उसने कहा जी मैं 10वीं पास हूँ और मैं अब 12वीं पास हो गया हूँ। तो मैंने कहा भाई, आप इतनी अच्छी आपकी बिल्ट है, इतना अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, आप फौज में क्यों नहीं जाते जी? तो उसने जो मुझे उत्तर दिया, उसने मेरे को अंदर से झकझोर दिया जी। उसने कहा जी कि अब हमारी ना जाति की भर्ती है ही नहीं। तो मैं बड़ा निराश हुआ। मैंने कहा भर्ती का जाति से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं जी। मैंने कहा देश आज़ाद है, संविधान हमारे यहाँ लागू है। तो मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने कहा बेटा जाति का भर्ती से क्या संबंध है? बोला नहीं सर, हमारी जाति की ना भर्ती नहीं होती जी। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस आदमी से ये पूछ सकूं कि आपकी जाति क्या है। मुझे बड़ा बुरा लगा जी। खैर, मैंने उसको दवाई लिख दी, वो चला गया। लेकिन मेरे मन में ये सवाल कोंदता रहा, मेरे मन को ये तीस रहती रही कि जाति का इस आज़ाद भारत में भर्ती से क्या संबंध है। और चूंकि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जी, जिसको सैनिकों की खान कहा जाता है, अहिरवाल एरिया है, ये पूरा इलाका नर्सरी भी कहा जाता है, नर्सरी ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है, क्या बात। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलता था जो फौज में गए थे, फौज में उन्होंने अच्छा नाम कमाया था। तो मैंने उनसे भी कई लोगों से जिक्र करा, बड़े बड़े अफसरों से मैंने जिक्र करा, लेकिन वही बात अज्ञानता की, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये समझा कि भाई एक आम आदमी ये कह रहा है, और वो ये कह रहा था कि भाई मैं भर्ती के लिए गया, तो चूंकि रेजिम मेरी जाति की भर्ती नहीं थी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो मेरे को फिर भी निराश हुई, मैंने कहा नहीं ऐसा क्या, ये लड़का बोल के गया तो कोई ना कोई बात होगी। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करा। जब रिसर्च करना शुरू करा तो हम जितना अंदर जाते गए, जितना हम गड्ढे को खोदते गए, उतना ही मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जिसमें देश को 70 साल से एक अंधेरे में रखा गया है। और यहाँ पर युवाओं पर खासतौर से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हाँ जी, पूरे देश के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी। और वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हो रहा है कि ये बिल्कुल सही बात उस लड़के की, ये बात बिल्कुल सही निकली कि जाति आधारित और क्षेत्र आधारित भर्ती है, जिनकी रेजिमेंटें नहीं है उनकी भर्ती के चांस नहीं के बराबर है। और आपने संघर्ष शुरू कर दिया, तो हाँ, शुरुआत कैसे की? सबसे पहले हमने जो है लोगों से बात की जी। सबसे पहले हमने इतिहास को खंगाला जी, और हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि जो ये कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर हमने RTIs लगाई। ओके। RTI में हमने कई RTI डाली। ज़्यादातर जो है फौज जवाब नहीं देती है, कभी सुरक्षा का मामला उठाते हैं, कभी कुछ मामला उठाते हैं, और जवाब देने में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता जी। तीन बातें जवाबों में उभर के आई। पहली बात तो ये उभर के आई कि भारतीय सेना के पास भर्ती का कोई कानून लिखित में नहीं है, कोई मानदंड नहीं है, नहीं कानून ही नहीं है, मापदंड तो कुछ भी हो, कानून ही नहीं है, कानून नहीं है। ये जब RTI हमारे पास आई तो हम दंग रह गए कि 12 लाख 12.5 लाख जिस ऑर्गेनाइजेशन में है जी, भर्ती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ 12 साढ़े 12 लाख है,
उसमें भर्ती का कोई नियम लिखित में है ही नहीं जी। भाई अगर लिखित में नहीं है तो फिर भर्ती कैसे होती है, हमने पूछा। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसा होता है कि समय समय पर जो है ना, जैसी राय बनती है और जो ऐसे होता है और कमांडर साहब क्या कहते हैं उस हिसाब से भर्ती हो जाती है। फिर हमने एक सवाल उनसे पूछा कि भाई जैसे एक रेजिमेंट है किसी भी जाति के नाम पर, जैसे गोरखा रेजिमेंट है जी, सिख रेजिमेंट है, इसमें क्या एक ब्राह्मण, क्या एक हरिजन, क्या कोई दूसरी जाति का आदमी भर्ती हो सकता है? तो उनका जवाब आया नहीं, उसमें नहीं हो सकता, उसमें भर्ती नहीं हो सकता है जी जी, केवल उसमें जनरल ड्यूटी सोल्जर के रूप में भर्ती नहीं हो सकता है, नाई, धोबी, तेली, स्वीपर और क्लर्क ये जा सकते हैं, अदरवाइज जो 99% जो एक रेजिमेंट होती है वो जनरल ड्यूटी सोल्जर्स की होती है जी। तो उसमें उसी श्रेणी के, उसी जाति के, उसी क्षेत्र के लोग जाएंगे जी। अब आप इससे देखिए कड़ी खुलती है, कड़ी क्या खुलती है कि मतलब जिसकी रेजिमेंट है उसका अगर वही सिपाही रिटायर होंगे उसी जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, तो उनकी जगह उसी जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को भर्ती किया जाएगा जी। तो जिन जातियों की, जिन क्षेत्रों की रेजिमेंट नहीं है उनकी भर्ती तो ना के बराबर है जी। तो हमें बड़ा आश्चर्य, जो हमने कहा ये क्या हुआ फिर हमने और RTI ये लगाई उन्होंने जी। तो उन्होंने ये माना कि हाँ ये बात ठीक है। हम डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले, तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह जी थे उनसे भी मिले, हमने बहुत लोगों से बात की, MP से भी मिले, लेकिन जनरली हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि फौज के बारे में, फौज की कमियों के बारे में कुछ बात करने को लोग सही ढंग से नहीं लेते जी। ये एक उसका कहा जाता है कि आप कमी निकाल रहे हैं जबकि हमारी सेना का मनोबल गिरेगा, ये कहते हैं मनोबल गिरेगा। मानसिकता हमारे देश में बन गई, बन गई, वहाँ कुछ भी हो रहा हो उस पर कोई आदमी डिस्कस नहीं करना चाहता जी जी। ये बात एक बड़ी विचित्र मानसिकता हमको लगे जी। फिर हमने हमने सोचा कि अब क्या करें, जब नहीं बन रहा तो हम 10-15 साल घूमते रहे, चिट्ठियाँ लिखते रहे, RTI डालते रहे, लोगों से कहते रहे, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहते रहे, हम फेसबुक पे लिखते रहे, व्हाट्सएप पे भेजते रहे मैसेज, और हम बहुत MP से मिले इस बारे में जी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने फौज के चीफ को भी लिखा, हमने डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखा, लेकिन बस वो इस कान से सुना हूँ करके निकाल दिया जी जी। उसके बाद हमने सोचा भाई शायद न्यायपालिका ही एकमात्र रास्ता बचता है जी सर। तो हमने एक डिटेल्ड PIL तैयार करी। ओके। और पहले तो उस PIL को कोई लेने को ही तैयार नहीं था कोई वकील ही तैयार नहीं था कि इस PIL को ले ले, ना वकील समझने को तैयार जी, ना कोई वकील लेने को तैयार। फिर हमने एक बड़ी मुश्किल से, एक वकील साहब थे, हमने उनसे बात करी किसी के थ्रू, वो तैयार हुए, वो भी डर गए, बोले जी इसमें से तू जिन निकलेगा इस बोतल में से तो हमने कहा साहब कोई बात नहीं, जिन निकलेगा तो हमको खाएगा, आप तो वकालत कर रहे। तो बोला भाई मेरे को ये कहानी समझ में नहीं आती, आप बना के लाओ, आप सारा मेरे पास वो लाओ और उसके बाद मैं बनाता हूँ। हम कम से कम हमने 50 चक्कर दिल्ली के उनके घर के लगाए, हम सारा मटेरियल ले जाते थे, किताबों के फोटो स्टेट करके ले जाते थे, सब चीज़ हम ले जाते थे, जितनी RTI थी सब लेकर आई, हमने सारा लिख के उनके सामने रखा। फिर उन्होंने एक PIL बनाई और उस वो PIL थी PIL नंबर 524 ऑफ 2012। चलिए बिल्कुल, और 534 है नंबर, कितना बताया, 524/12 PIL था, और उसके बाद संघर्ष आगे जारी रहा। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने खास तौर पर उन्होंने संघर्ष किया और आज युवाओं को उनका हक मिलने के लिए आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, 40 साल का ये संघर्ष है। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो में आपको दिखेगा कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया है और कैसे युवा उनके साथ चले आए जबकि कोई एडवोकेट उनके साथ आने को तैयार नहीं था। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि इस PIL में क्या कुछ है और आगे क्या कुछ है, देखिए हमारे अगले वीडियो में। दीजिए मानवेंद्र को इजाज़त, लेकिन कैमरामैन हेमेंद्र के साथ हम हैं और निश्चित तौर पर अगले वीडियो में और भी कुछ विशेष आपको मिलेगा। नमस्कार।